जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा और वंशुदीप के ब्लॉग्स वाले दोनों चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ, होली आ रही है संडे की, और दुल्हेंडी यानी कि रंग मंडे का है। जो लोगों को मैंने वो साधना बताई है तांत्रिक मारण विधि, हनुमान जी को 2 दिन के लिए अपने घर में बैठाएं, यानी कि हनुमान जी आपके घर में 2 दिन के लिए बैठ जाएंगे, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो तांत्रिक से परेशान है, जो तांत्रिक बार 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 क्रिया करे जा रहा है, तांत्रिक की शक्ति सिद्धि सब चीज़ बंध जाएगी, खत्म हो जाएगी, तांत्रिक मर भी सकता है, वो वाले वीडियो का लिंक चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में दे दूंगा मैं, वो देख लेना। वो लोग वो करना चाहें वो करें। जो लोग को तांत्रिक की या नेगेटिविटी की समस्या नहीं है, या फिर तांत्रिक ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, उनको सिर्फ सिद्धि के लिए करना है, तो वो क्या करें वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, वीडियो आपको आगे बढ़ा बढ़ा के देखो, समझ में नहीं आएगा। ऐसे पाठ बताऊंगा और आपने कर लिए, हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी के गण, या हनुमान जी के दूध, या हनुमान जी के वीर आपको सिद्ध हो ही जाएंगे। वो क्या है, ये जो 2 दिन है ना आपके पास, ये वीडियो आपको शनिवार को मिलेगी सुबह, ठीक है, 9 बजे के आसपास। उपाय जो ये है वो इतवार और मंडे को करना है, मतलब संडे और मंडे दोनों दिन करना है। आपको संकल्प लेना है संडे को, मतलब शनिवार की रात को 12 बजे के बाद संकल्प लेना है, या संडे को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के संकल्प लेना है, हाथ पे जल लेके, मेरा नाम ये, मेरे पापा का नाम ये, मेरा एड्रेस ये है, मैं इन 2 दिनों में लहसुन प्याज अंडा मांस दारू बियर का परहेज रखूंगा, और मैं 551 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा इन 2 दिनों में। बाबा कृपा करके मुझे अपनी सिद्धि दें, अपनी असिद्धि दें, अपनी नौनिधि दें, अपना तत्व दें, अपनी कृपा दें, दूध दें, गण दें, वीर दें, कुछ भी दें, ये आप बोल सकते हैं। 551 हनुमान चालीसा आप करने बैठेंगे, 2 दिनों के अंदर आपको पूरी कंप्लीट करनी है। सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा धोकर करने बैठ जाइए, हनुमान जी को बिठा लीजिए लाल आसन पे, लड्डू का भोग, 2 दिन तक अखंड दीपक जलेगा आपका, बुझना नहीं चाहिए। आपको आसन धरती पे लगाना है, धरती पे बैठना है, धरती पे ही सोना है। आसन ऐसा लगाएं कि बिस्तर भी वही हो और आसन भी वही हो, बड़ा हो, बिस्तर बिछा लो, उस पे आसन लगा लो, धरती पे उसी पे लेटना है, उसी पे सोना है। जब जब बाथरूम जाएंगे या फ्रेश होने जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर, जब जब नहा के फिर बैठना है आपको, और जब काउंटिंग कर लेंगे कि मान लो आपने अभी 108 हनुमान चालीसा पढ़ी है और आपको फ्रेश होने जाना, बाथरूम आ गया, तो आप जाएं बाथरूम करने के लिए, और बाथरूम करने के लिए गए और वहां से आकर के आपको डायरेक्ट नहीं बैठना, नहाना है, नहाने के बाद बैठना है। इस दौरान आपको लंगोट पहननी, 2 दिन लंगोट पहनी जाएगी, ठीक है। और सिर्फ पानी पे रहेंगे आप, ओनली लिक्विड डाइट, देर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, या दलिया खा लूं, खिचड़ी खा लूं, दही खा लूं, नो, ओनली लिक्विड चाय या पानी या मिल्क, ओनली दैट्स इट। 2 दिन, जब तक ये पाठ कंप्लीट ना हो जाए, 551 हनुमान चालीसा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हनुमान चालीसा सिद्ध, दूध महाराज 100% आ जाएंगे आपके पास, एक या एक से ज्यादा वीर आ जाएंगे हनुमान जी के, गण आ जाएंगे हनुमान जी के, हनुमान जी की सिद्धि, या कोई ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि मिल सकती है आपको कि आपको मालूम चल जाए कि सामने वाले के माइंड में क्या है, या फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, या फ्यूचर में या बैकग्राउंड में उसके साथ क्या हो चुका है, पास्ट में क्या हो चुका है, ये आपको मालूम चल जाएगा, ऐसी सिद्धि आपको मिल जाएगी। ऐसी भी मिल सकती है कि आपको कान में बताने वाली, या फिर आपको आभास होने लगे कि ऐसा होने वाला और वो बोल दें वही हो, ऐसी सिद्धि आपको मिल सकती है हनुमान जी की कृपा से, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों। बस क्या क्या बताया मैंने, आसन बिस्तर लगा लेंगे धरती पर और वहां पे हनुमान जी को बिठा लेंगे, 2 दिन की अखंड जोत जलेगी, और संकल्प ले लेंगे ब्रह्म मुहूर्त में इतवार को सुबह 4 बजे या उसके बाद, कि मैं 551 हनुमान चालीसा कंप्लीट करूंगा। आप गिनने का तरीका ढूंढ लें, कैसे गिनेंगे, माला से गिनेंगे या फिर लिख लिख के गिनेंगे, आप जैसे आप चाहें वैसे। नहाना हर बार है जब बाथरूम जाएंगे या लेटरिन करके आएंगे, बीच में उठ जाते हैं दर्द उठ गया, फिर बाथरूम करने जाना, नहाने के बाद बैठना, चाहे गर्म पानी से नहाओ, ठीक है। जाप ही करना है, 2 दिन आपको घर में ही रहना है, ये नहीं कि मैं दो सुबह शाम जाप किया घर से निकल गया, 551 हनुमान चालीसा ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होंगी बैठ के करनी है आपको, और लिक्विड डाइट रहेगी, ओनली पानी और चाय, बस करिए हनुमान जी की सिद्धि होगी। आपको करने वाला बंदा होना चाहिए, जो कर लेगा उसे मिल जाएगा 551। अच्छा, अब यही काम आप बजरंग बाण से कर सकते हैं,
हनुमान जी का उग्र रूप एक सिद्ध हो जाएगा, 551 बजरंग बाण का पाठ करो। एक और, शरीर में कष्ट नहीं जा रहा आपके, या मंत्र सिद्ध करना है आपको, मान लो मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र सिद्ध करना है, 2 दिन में 108 माला का जाप करो, इन 2 दिनों में 108 माला कंप्लीट करो, 24 घंटे 24 घंटे 48 घंटे में 108 माला नहीं कर पाओगे, कर लोगे? ऐसे करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी के मंत्र की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि आपको हो जाएगी, ऐसी सिद्धि मिल जाएगी आपको, शक्ति मिल जाएगी, आप याद रखोगे। एक और बताऊं, शत्रुमर्दन कर लीजिए, 551 शत्रुमर्दन पाठ, शत्रु का बुरा हाल 100% होगा, 100% होगा, ये काम करके देखें। मिश्रित ब्रह्मास्त्र में बीज मंत्र का 1.25 लाख का जाप करने 2 दिन के, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, तो मैं 1.25 लाख का जाप करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम होता 500 500 माला करनी पड़े, 400 500 700 700 माला करनी पड़े 2 दिन में, वो करें आप, बाबा ने चाहा तो आपका काम बनेगा। भाई 11 दिन में आप 108 माला रोज करते हो तब होती है ना, 1100 माला के आसपास करनी होगी आपको, और 2 दिन में 550 माला करनी होगी, 550 माला करो, 1 दिन में 550 माला, 1 दिन में 550 माला करो, क्यों नहीं होगी, बाबा की सिद्धि 2 दिन के अंदर मिलेगी। 2 दिन का क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 दिन जो है ना, ये वो दिन है, इन दिनों में सिद्धियां शक्तियां बहुत जल्दी होती हैं, भगवान की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है, तंत्र भेजा जाता है तो बहुत जल्दी होता है। होली के 2 दिन और होली के 2 दिन और दिवाली के 2 दिन, महाशिवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, ऐसे बहुत से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिन हैं जिन पे ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये 2 दिन मैंने बताए हैं, जिनको तांत्रिक मारण विधि करनी है वो कर सकते हैं, हनुमान जी को 2 दिन के लिए अपने घर में बिठाना है वो कर सकते हैं, और जो मैं अब बता रहा हूँ ये कर सकते हैं, जो जो मैंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे करना है। लिक्विड डाइट पे रहना, नंगे पैर रहना, चप्पल नहीं पहननी है, धरती पे सोना, वहीं जाप करना, वहीं सो जाना, वहीं पाठ करना, वहीं सो जाना, वहीं पाठ करना, वहीं सो जाना। हनुमान जी के लिए एक दिन दूसरा भोग होना चाहिए, 5 मिठाइयों का एक दिन दूसरा मुकुट, दोनों दिन 5 5 मिठाइयों का भोग होना चाहिए हनुमान जी महाराज को, और सुबह शाम 11 होगी, ध्यान रखना, सुबह भी 11 शाम को भी 11, सुबह भी 11 शाम को, दोनों दिन ऐसा होगा, हनुमान जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी, जो जो पिएंगे आप वो हनुमान जी को भोग लगाएंगे, ये सोच कर कि हनुमान जी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, 100% हनुमान जी बाबा की कृपा मिलेगी, और दीपक गुरु साक्षी माने करना, जो करेगा उसे मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ती है। अब इसमें आप कमेंट में ये ना लिखें, अगर ऐसा ना कर पाऊँ तो, ऐसा ना कर पाऊँ तो, ऐसा ना कर पाऊँ तो, वो राम जाने, ठीक है हनुमान जी। और 2 दिन जब कंप्लीट होंगे, इतवार और सोमवार, तो अगला दिन जो कौन सा है, मंगलवार, मंगलवार को हवन करना है, ठीक है, हनुमान जी की कृपा रहेगी आप पे, करो, करने वाले होने चाहिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।